बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ताजा मामला गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड की यादवपुर दुखहरण पंचायत का है, जहां एक मुखिया प्रत्याशी ने मतदान से चार दिन पहले अपनी पंचायत के लोगों को मुर्गा भात की पार्टी पर बुलाया था। इसकी जानकारी डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को हुई। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान वहां आए लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी कलेक्टर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को देखते ही लोग थाली छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने मौके से इलेक्शन एजेंट को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं इसके बाद मुखिया प्रत्याशी राजकुमारी राय अपने पूरे परिवार के साथ फरार हैं। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस की सख्ती और निगरानी के बावजूद प्रत्याशी के खुलेआम भोज का आयोजन कराना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।